अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू ट्यूब में। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ लोटस प्रोफेशनल रेटिमिन नाइट क्रीम का रिव्यू। रेटिमिन से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें रेटिनॉल है एंड विटामिन सी है। तो आइए चेक कर लेते हैं इसका प्राइस एंड क्वांटिटी। सो इसका जो प्राइस था वो लगभग 695 रुपीज़। आप देख सकते हैं नेट क्वांटिटी 50 ग्राम्स है, तो 50 ग्राम्स आपका 3 महीना आसानी से चला जाएगा अगर आप रेगुलर नाइट में यूज़ करते हैं तो। और उसका एक्सपायरी डेट है 2024, यानी काफ़ी लंबा भी चलेगा। और जैसे मैंने पता ये 3 महीना ही चलता है 50 ग्राम्स के, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने पहले भी लोटस का 50 ग्राम्स का एंटी ब्लेमिश क्रीम यूज़ किया है, उनका एक रिजुवेनेटिंग क्रीम था वो यूज़ किया है, तो लगभग 3 महीना ही जाता है। तो इसकी ख़ास बात ये है कि ये इसमें रेटिमिन है यानी रेटिनॉल है एंड विटामिन सी है। रेटिनॉल क्या करती है, हमारे स्किन की जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी में हेल्प करती है, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाती है जिससे स्किन यूथ लगती है। और विटामिन सी क्या है, विटामिन सी तो आप जानते ही होंगे, ये जिद्दी स्पॉट्स को रिमूव करता है और स्किन को एक ग्लो देता है, क्योंकि ये विटामिन सी है। इसीलिए विटामिन सी हमें खाने भी चाहिए ताकि पेट के अंदर की जो वेस्टेज है वो आसानी से निकल जाए। ऑरेंज जूस इसलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो इसमें प्लांट रेटिनॉल प्लस विटामिन सी ब्राइटनिंग बूस्ट है, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसे इस्तेमाल किए हुए लगभग 15 दिन हो चुका है। तो 15 दिन यूज़ करने के बाद मैं इसमें थोड़ा स्किन पे थोड़ा पिंपल आया है, तो आई डोंट थिंक ये इसकी वजह से, क्योंकि पहले से भी मेरे स्किन पे पिंपल आते रहे हैं। तो ये देने के बाद आज ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले से मेरा पिंपल था एंड थोड़ा थोड़ा निकलता था। तो ये मैं नाइट में देती हूँ और स्किन रियली ग्लोइंग करता है, आप दिन में फेस वॉश आफ्टर फेस वॉश आप नोटिस करेंगे। तो फ्रेंड यही इसका रिव्यू था लोटस प्रोफेशनल रेटिमिन का। देखिए लोटस का 3-4 ब्रांड है, एक लोटस हर्बल्स है जो काफ़ी पॉपुलर है, लोटस प्रोफेशनल है ये है, और एक लोटस ऑर्गेनिक्स है, और भी एक है लोटस बोटानिकल। टोटल 4 है लोटस का ब्रांड, ये प्रोफेशनल का है याद रखिए। यहाँ पे दिया है मेड विथ लव एंड क्या क्या दिया है इसमें, एनर्जी कन्वर्शन, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट कंजर्वेशन, तो ये सारी नेचुरल चीज़ है दिया है इसमें, मतलब ये नेचर में किस तरह से इम्पैक्ट डालता है। तो आइए देखते हैं इसके एक्टिव ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स। काकाडू प्लम, काकाडू एक प्लम है, इट कंटेन्स 100% विटामिन सी एंड इनहिबिट्स मेलानिन प्रोडक्शन इन द स्किन व्हिच हेल्प्स टू लाइटन हाइपर पिगमेंटेशन ब्राउन स्पॉट्स इवन आउट स्किन टोन एंड एनहेंस स्किन रेडियंस। ओके, ये काकाडू प्लम विटामिन सी के रूप में दिया है जो हमारे मेलानिन प्रोडक्शन को रोकती है, जो हाइपर पिगमेंटेशन को लाइटन करती है, ब्राउन स्पॉट को लाइटन करती है, स्किन को इवन टोन करती है, स्किन की रेडियंस को एनहेंस करती है। दूसरा है बाकुचियोल। बाकुचियोल का मैंने पहले एक सीरम यूज़ किया था, वो लोटस ऑर्गेनिक्स का था आई गेस। तो बाकुचियोल आप जानती हो कि एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है, हेल्प्स प्रिवेंट फाइन लाइंस एंड रिंकल्स एंड हेल्प्स विद पिगमेंटेशन इलास्टिसिटी एंड फॉर्मनेस। तो ये क्या करता है, ये फाइन लाइंस और रिंकल्स पे काम करता है, पिगमेंटेशन जैसा ज़्यादा गहरा काला धब्बा को रिमूव करता है, इलास्टिसिटी स्किन में इलास्टिसिटी देता है, एक मतलब खींचा खींचा ताकि यूथ लगे एंड फार्मनेस। सो यही इसका रिव्यू था फ्रेंड। अगर आप इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो बेशक कमेंट करें, हमें जानकारी देते हुए खुशी होगी। एंड अगर आप इसे इस्तेमाल कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिट वेजिटेरियन का साइन है, और अगर आप इसे इस्तेमाल कर चुके हैं तो भी अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे बाकी व्यूअर्स को हेल्प मिले। बाय।